आओ झुककर सलाम करें उन्हें जिनके हिस्से में ये मुकाम आया, खुश नसीब है वो खून भी, खुश नसीब है वो खून भी जो देश के काम आया। तो बिल्कुल आप क्लास 10th में पास हैं या फिर 12th पास हैं या फिर ग्रेजुएट हैं, अगर सेना में ज्वाइन करना चाहते हैं और देश की रक्षा में अपना योगदान देना चाहते हैं, उन शहीदों के और उन अमर जवानों के याद में आप भी अपनी कुर्बानियां और आप भी अपने शान और शौकत का नज़ारा देना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल सही मौका आपको मिला है, जिसमें आप BSF में, SSB में, CISF में, हर क्षेत्रों में, चाहे कितने भी काले और अंधेरी बादल क्यों न हो, उन सबको तोड़ करके सेना में आपको मुकाम बनाने का सुनहरा मौका मिला है। तो बिल्कुल जो मौका आपको मिला है देश सेवा के लिए, इसे गंवाएं नहीं, बल्कि अपने परिस्थितियों को और अपने सही समय का उपयोग करते हुए 2023 में जो आपको मौका मिला है 2024 के उत्तरार्ध तक आपको इसमें हर हाल में ज्वाइनिंग कर ही लेना है। तो चलिए इससे पहले कि देर हो जाए, हम निचोड़ बात कौन कैसे क्यों कब भर सकता है फॉर्म और कितने पोस्ट है, सभी पे विधिवत बात A to Z सारी विवरण यहाँ पे हम बता रहे हैं। यहाँ पे गौर से देखने योग्य चीज़ ये है कि ऑल इंडिया लेवल ये वैकेंसी है, मतलब जितने भी लोग 2023 में, चाहे आप 10th पास हैं या फिर इंटरमीडिएट पास हैं, आप सभी को लगने वाले हैं जॉब, ऑल इंडिया लेवल का वैकेंसी है। ध्यान दीजिए, अब तक ये कितने पोस्ट पे होंगे वाले बहाली ये तो क्लियरिटी नहीं मिली है, बट यहाँ पे लिखा है कि ऑल इंडिया लेवल ये वैकेंसी है। खुशखबरी, जल्द मतलब BSF में CRPF, CISF, ITBP, SSB, AR मतलब असम राइफल या फिर ASSF और GD के पद में टोटल हमें जहाँ तक अनुमान के तहत बता रहे हैं 50,000 से कम सीट वैसे आना नहीं चाहिए। मे भी देखिए कितना आ रहा है, लेकिन ये 24 नवंबर से फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। क्या क्या प्रक्रिया, चलिए A to Z सारी चीज़ें क्लियर करते हैं। पदों पर बम्पर बहाली होने वाले भारत सरकार के विभिन्न में रिक्त पदों के नवंबर में भर्ती की सूचना जारी आएगा। इस भर्ती में पुरुष और महिला दोनों चयनित होंगे। 2023 में भाग लेने वाले अभ्यर्थी जिनके न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 23 वर्ष, आपका उम्र कम से कम कितना होना चाहिए 18 वर्ष और अधिक से अधिक आपका उम्र कितना होना चाहिए 23 साल होना चाहिए। ऊपरी उम्र सीमा में छूट नियमानुसार प्रदान किया जाएगा। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 24 नवंबर 2023 से शुरू किया जाएगा, जो कि 28 दिसंबर 2023 तक भरे जाएंगे। ये सभी भर्तियां स्थायी प्रकृति की होगी, मतलब ये टोड आर्मी की तरह 4 साल के लिए नहीं, बल्कि आजीवन हमेशा के लिए नहीं होता है कि पूरा फुल लाइफ टाइम, तो अस्थायी तौर पे होने वाली है ये भर्तियाँ। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार इस पदों की नियुक्ति के लिए संबंधित आयोगों को भेजा जाएगा। भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू होगी, और बताया था मैंने कि ये 24 नवंबर से फॉर्म भरना शुरू होगा, और कहानी हमारा यही है। देख लो यहाँ पे यही थंबनेल आप देख करके बेसिकली आए हुए हो कि ऑल इंडिया न्यू लेवल वैकेंसी जो है सभी पदों में मिलने वाली है। GD महिला और पुरुष दोनों भर सकते हैं, और सभी पात्रता इच्छुक उम्मीदवार नीचे दिए गए महत्वपूर्ण लिंक के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी सूचना पढ़ लें, उम्मीदवार 2023 के माध्यम से पोस्ट किए जाने वाले पदों की सूची में है। ऑनलाइन आवेदन जमा करना, दस्तावेज पत्रता, ID प्रमाण पत्र, पता विवरण मतलब आपके प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, और क्या क्या आपके पास ID प्रूफ है, आधार कार्ड नहीं कि इसी तरह का फोटो चाहिए, साइन चाहिए, साइन प्रूफ चाहिए। आवेदन जमा करने से पहले पूर्वांतर अवलोकन सभी कॉलमों का ध्यानपूर्वक जांच कर लेना होगा कि जो चीज़ आप पता ठिकाना अपना भरे हैं वो सही है या फिर उसमें कुछ गलती है, उस चीज़ की सुधार भी आपको कर लेना होगा फॉर्म को सबमिट करने से पहले। चलिए इम्पोर्टेंट चीज़ें जो यहाँ पर दिया है थोड़ा सा इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो पोस्ट अपडेट जो है ना, ये देख लो, ये अपडेट हो रहा है अक्टूबर 2023 को। रिक्वायरमेंट जो है कौन कौन विभाग में आप जाइएगा, तो BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स या फिर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में जाना चाहते हैं CRPF में तो भी जा सकते हैं, या फिर औद्योगिक क्षेत्र वाला जो होता है CISF या एयरपोर्ट पर जो ड्यूटी होता है उसमें भी जा सकते हैं। ITBP ये भी तिब्बत बल है, या SSB, सबसे बढ़िया अगर बात करना तो CISF और SSB को रिकमेंड हम करेंगे। अगर आप लोगों को अगर मौका मिले, इसमें अगर आपका करियर लगे कि चरम पे है और आप लोग ज्वाइनिंग कर सकते हैं, देन यू हैव टू ज्वाइन CISF और SSB। इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ दोज, ये सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। एंड उसके बाद अगर हम तीसरा रेफरेंस किसी को देंगे तो SSF को देंगे, क्योंकि इसमें सबसे खतरनाक जो है ना CRPF है, ITBP है, BSF है। आज जिंदा हो कब मर जाओगे कोई नहीं जानता, हालांकि देश के लिए कुर्बानी भी एक अलग तरीके का जज्बा होता है। पोस्ट नेम GD मेल और फीमेल, मतलब लड़का और लड़की दोनों ही भर सकते हैं। मैंने पोस्ट की पहले ही क्लियरिटी दिया है, हालांकि अनुमान के तहत तो कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि 70 से 80 हज़ार पदे आने वाले हैं, बट आई होप कि आपको 40 से 50 हज़ार सीट या
30,000 से एबव सीट ही मिलेंगे, जो भी मिले 30,000 से एबव सीट पे होने वाले हैं, जिसकी डिक्लेरेशन हमको लगता है कि 24 तारीख से तो फॉर्म भरना शुरू होगा, उससे पहले बता दिया जाएगा। टोटल वैकेंसी कितना है तो यहाँ पे देखो एनए लिखा हुआ है, मतलब ये अभी अनुमान नहीं है कि कितने सीटों पे इसके डिक्लेरेशन काम किया जाएगा। ऑनलाइन स्टार्ट फॉर्म कब होगा, 24 नवंबर को होगा, ये सभी चीज़ें हम आपको बता चुके हैं। लास्ट डेट कब है, 28 दिसंबर है, दिसंबर महीना तक आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। एप्लीकेशन मोड बिल्कुल ऑनलाइन है, आपको ऑफलाइन फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। अब क्वालिफिकेशन की अगर बात करना तो बिल्कुल 10th पास लिखा है, इंटरमीडिएट ग्रेजुएट हैं, बेशक बहुत अच्छी बात है, बट आपको सर्टिफिकेट सिर्फ और सिर्फ क्या लगाने हैं, 10th का लगाने हैं, ठीक है। आगे आपसे ज़रूर पूछेगा फॉर्म भरते समय कि इंटर कर लिए हैं, ग्रेजुएशन कर लिए हैं, तो टिक कर दीजिए, नहीं किए तो कोई बात नहीं। लेकिन 2023 में भी आप मैट्रिक पास हैं और आपकी उम्र 18 साल है तो आप एलिजिबल हैं एंड भर सकते हैं फॉर्म, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें और थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बता दें हम आपको। देखो लिए क्या है कि ऑनलाइन अप्लाई डेट 24 नवंबर से होगा और ये आखिरी डेट है, और ये एडमिट कार्ड भी एग्ज़ाम से पहले ही आपको आ जाएगा, और ये एग्ज़ाम कब होगा ये भी आपको, आई थिंक कि मतलब एग्ज़ाम आपका फरवरी तक होना चाहिए, जनवरी या फरवरी तक मान के चलिए। पहले आपका रिटेन होगा, उसके बाद आपका फिजिकल होगा, ये बात भी ध्यान में रखिएगा। कुछ चीज़ें यहाँ पर भी है, उम्मीदवार को रुपये का भुगतान करना आवश्यक होगा, 100 रुपीज़ आवेदन शुल्क कितना है, 100 रुपीज़ ओनली। महिला उम्मीदवार पूर्व सैनिकों के लिए ये आवेदन शुल्क भुगतान में छूट दी गई है कि महिला होगी उसको भी छूट मिलेगा और जो पूर्व सैनिक होगा उसको भी छूट मिलेगा। आवेदन शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन भुगतान मोड में नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, आईडी आदि के माध्यम से आप लोग भर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए नोटिफिकेशन तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। आप देख लीजिए उम्र यही है, आपको ध्यान में रखना योग्य बात है, मैक्सिमम आप 18 साल और मिनिमम आप 18 साल का हो और अधिकतम 23 साल से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। एज रिलेक्शन की कोई बात नहीं है और आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो ओनली 10th पास है, किसी भी बोर्ड से, बिहार बोर्ड से हो, NIOS बोर्ड से हो, या फिर UP बोर्ड से हो, झारखंड बोर्ड से हो, मध्य प्रदेश से बोर्ड से हो, दिल्ली बोर्ड से हो, CBSE बोर्ड से हो, व्हाटएवर क्या है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप किस बोर्ड से वैकेंसी से हैं, ठीक है। ये सभी चीज़ें हैं, A to Z सारी चीज़ें, वही चीज़ें विवरण यहाँ पे दिया गया है। एग्ज़ाम बिल्कुल ऑनलाइन, आपको मॉक टेस्ट के आधार पे होना चाहिए, कंप्यूटर बेस्ड रिटेन एग्ज़ाम होगा, उसके बाद देखो ना पहले एग्ज़ाम होगा, उसके बाद फिजिकल होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा, फिर मेडिकल होगा, आपका फाइनल लिस्ट बनेगा एंड फाइनली आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। तो आप प्रोसेस समझ गए कि सबसे पहले आपको क्या देना होगा, आपको एग्ज़ाम देना होगा, एग्ज़ाम में क्वालिफाई कीजिएगा, तब आपका दौड़ होगा, 5 किलोमीटर का दौड़ होगा, ध्यान रहेगा। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा कि आपने कितना अच्छा तरीके से आपका कम्युनिकेशन, आपका स्किल कितना बढ़िया है। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट 10 का सच में पास किए हैं या फिर जाली डॉक्यूमेंट लगा के गए हैं, इस चीज़ का वेरिफिकेशन होगा। फिर मेडिकल बीमारी होगा कि कोई मेजर बीमारी तो आपको नहीं है बड़ा, तो बीमारी लिस्ट भी मेडिकल होगा। उसके बाद फाइनली लिस्ट में तैयार होगा कि आप जॉब करने लायक हैं या नहीं है। उसके बाद आपका फाइनली बाई पोस्ट आपको आ जाएगा ज्वाइनिंग लेटर एंड ज्वाइनिंग कर लीजिएगा। और ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है जो समझ लेना बहुत ज़रूरी है, मैक्सिमम आपकी हाइट जो होगी 170 होनी चाहिए और सीना जो होगा ना बिना फुलाए 81 cm का होना चाहिए और फुला करके 85 cm का होना चाहिए, ठीक है। और फीमेल महिला की हाइट जो है 157, मतलब 5'3-4" भी होगा तो काम चल जाएगा, 5'3-4" महिला भी होगी तो वो भी इस फॉर्म को भर सकती है, ज्वाइनिंग कर सकती है। अगर इससे संबंधित कुछ और बातें जो आपको हम बताने में अक्षम रह गए हो, ना बता पाए हो, देन आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, हम आपके हर सवाल का जवाब अपने मैसेज के माध्यम से भी आपको देने का प्रयास करेंगे। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, तो लाइक कमेंट और शेयर आगे करते रहिए ताकि जो जानकारी आपको मिले आपके मित्र दोस्त को भी वो चीज़ें मिलनी चाहिए। जय हिंद।